कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की तूती बोलती थी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार किए जाने वाले आजम खान अब ना तो विधायक और सांसद हैं और ना ही चुनाव लड़ने से लेकर वोट देने के हकदार। वहीं उनके बेटे और स्वार विधानसभा सीट से 2022 में विधायक चुने गए अब्दुल्ला आजम की ना सिर्फ सदस्यता चली गई बल्कि अब अब्दुल्ला आदम वोट डालने का अधिकार भी खो चुके हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को तगड़ा झटका लगा है, वे अब वोट नहीं दे सकेंगे। अब्दुल्ला आजम खान का नाम शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से काट दिया गया है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने मतदाता सूची से अब्दुल्ला आजम खान का नाम हटाने के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने यह फैसला सुनाया है और ERO रामपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब्दुल्ला आजम का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO रामपुर ने कहा कि जारी निर्देश में यह कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम जो पंजीकरण के बाद अयोग्य हो जाता है उसे मतदाता सूची से तुरंत हटा दिया जाता है। आदेश पत्र में कहा गया है कि यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि विधानसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम खान का नाम तुरंत मतदाता सूची से हटा दिया जाए। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु प्राप्त नहीं करने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था, हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस अदालत ने रामपुर जिले के 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका के संदर्भ में जो देखा है उसमें चुनाव का परिणाम 11 मार्च 2017 को घोषित किया गया था और वे तब तक 25 साल की उम्र को पूरी नहीं कर सके थे। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना की पीठ ने 7 नवंबर 2022 को दिए एक आदेश में कहा, अब्दुल्ला आजम खान ने उम्र के आलोक में उम्र पूरी नहीं करने के संदर्भ में तदनुसार समीक्षाएं याचिकाएं खारिज की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रकट त्रुटि नहीं थी जिसने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में चुनाव को रद्द किया था और इसमें शीर्ष अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। शीर्ष अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा विधायक के रूप में उनकी अयोग्यता को चुनौती देते हुए दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह 2017 में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रामपुर जिले के स्वार विधानसभा क्षेत्र से आजम खान के पुत्र के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था क्योंकि उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी। अब्दुल्ला खान 11 मार्च 2017 को सपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।